नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और कोने कोने से आई तस्वीर लगातार ये सवाल उठा रही है कि आगे सिस्टम इतना बेपरवाह, लोगों की लापरवाही आखिर क्यों निकलती हुई सामने नजर आ रही है। क्योंकि कोरोना के आंकड़े इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि देखिए लोग लापरवाह हो रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। और सीधा रुख करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने एक साल में क्रिएट की। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीजें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके, इसके ऊपर जो है हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। उनके ऊपर कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है, कुछ एक अनुमान है सर ये कितना? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में और सुविधाएं किस तरीके की दुरुस्त हो सकती है इसको लेकर मंथन किया गया। क्योंकि इससे पहले जब डॉक्टर से चर्चा की थी तो डॉक्टर्स की तरफ से ये एडवाइस दी गई कि लॉकडाउन लगाना होगा, इस कोरोना चेन को ब्रेक करना होगा और सबसे बड़ा विकल्प और बेहतर विकल्प लॉकडाउन लगाना ही है। लेकिन अभी फिलहाल अस्पतालों की मौजूदा स्थिति क्या कुछ है उसके बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि इससे पहले हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई जब एम्स पहुंचे, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से उन्होंने बातचीत की, तमाम डॉक्टर्स का पैनल वहां पर मौजूद था और मौजूदा स्थिति को लेकर विचार भी किया गया। मैंने एम्स की तैयारियों का जायजा लिया, यह कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तैयारी है, पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कोरोना को मात देने के लिए। इस बात का भी जिक्र करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन नजर आए। मैंने एम्स की तमाम चीजों पर नजर रखी, एम्स की तैयारियों का जायजा लिया और एडवाइस जो डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है वो लॉकडाउन को लेकर दी गई है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो कोरोना विस्फोट इस वक्त पूरे देश में दिखाई दे रहा है वो इस आंकड़े से समझे कि 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। अभी जो एम्स की तैयारी है उस तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे डॉक्टर हर्षवर्धन। दिल्ली में कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है, 5 हफ्ते में 25 गुना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालात इतने ज्यादा बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का फैसला ले लिया है। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की बन जाती है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये तमाम चीजों का जिक्र करते हुए हिसाब कर चुके हैं कि देखिए हमने ये तमाम जो कड़े फैसले लिए हैं लोगों की सुविधाओं को मद्देनजर लिए हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि किसी तरीके की कोई दिक्कत आम लोगों को ना हो, लेकिन अब लोगों को भी इसका पालन करना होगा। नाइट कर्फ्यू जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का काउंटडाउन, लॉकडाउन से बचना है तो कर्फ्यू निभाना है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है, हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि हॉस्पिटल से लेकर श्मशान घाट तक हाहाकार मचा है। अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी हो रही है, वेंटिलेटर्स की संख्या भी नाम मात्र की बची है।
दिल्ली में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 16,999 लोग संक्रमित हुए तो वहीं 112 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में संक्रमण की दर 20% से ऊपर पहुंच चुकी है। दिल्ली में करीब एक महीने के आंकड़ों को देखा जाए तो 5 हफ्ते में राजधानी में मरीजों की संख्या में 25 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े काफी डराने वाले हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते में मरीजों की संख्या जहां 3,000 से कम थी, वहीं अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 93,000 को पार कर गई है। राजधानी में कोरोना की नई लहर लगातार विकराल हो रही है, लिहाजा दिल्ली के सीएम और एलजी ने गुरुवार को एक बैठक की जिसमें वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया, जो आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे, जबकि सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा होगी। एक जोन में सिर्फ एक वीकली मार्केट खुल सकेगा, जबकि हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को कर्फ्यू पास लेना होगा। शादी में शामिल होने वालों के लिए ई कर्फ्यू पास जरूरी होगा। राजधानी दिल्ली में कल तक 90 वेंटिलेटर ही बचे थे, लिहाजा मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आप खुद अंदाजा लगाइए क्या हालात होंगे। ऐसे में सरकार के पास लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प होगा, लिहाजा दिल्ली को लॉकडाउन से बचाने के लिए कोरोना कर्फ्यू को निभाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं कोरोना से। एक दिन में 112 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में फिलहाल 54,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। चारों तरफ कोरोना से हाहाकार है और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से दुरुस्त है, लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से बेड की कमी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन पर्याप्त संख्या में नहीं है और आईसीयू वार्ड में भी जगह नहीं है। और साथ ही साथ एक तरफ कोरोना महामारी है, लेकिन दूसरी तरफ इसी कोरोना पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार की कोविड रणनीति तुगलकी लॉकडाउन है, और साथ ही कहा कि घंटी बजाओ प्रभु के गुणगाओ। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, क्योंकि अब देखिए जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है, वीकेंड लॉकडाउन अगर आप सख्ती से पालन करते हैं तो फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति से बच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कहते हुए कि घंटी बजाओ, थाली बजाओ, तो क्या ऐसे विकल्पों से कोरोना को मात देंगे? क्योंकि दूसरी तरफ हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से हितेन हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ तुषार लखनऊ से मौजूद है। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। हितेन, देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि एम्स पहुंचे और इस बात का जिक्र करते हुए कि मैं तमाम तैयारियों का जायजा ले रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि जो स्थिति बनी हुई है अभी दिल्ली के अस्पतालों की, क्या उस स्थिति को भांपने में देरी हो गई है? क्योंकि ये तमाम जो कड़े कदम है ये पहले से ही उठाए जाने चाहिए थे जब कोरोना की दूसरी लहर की आहट थी। बिल्कुल, देखिए कोरोना देश में खत्म तो हुआ नहीं था, लेकिन सारी सरकारें, सारे प्रशासन द्वारा नवंबर दिसंबर के महीने में ही जो है कहीं ना कहीं जो तैयारियां कोरोना को लेकर की गई थी, देश के अंदर जो अलग अलग कोविड सेंटर बनाए गए थे वो सब नष्ट किया गया, वो सब खत्म कर दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री एम्स जाकर निश्चित तौर पर जायजा लेते नजर आ रहे, लेकिन उन्हें यहाँ आना चाहिए, ये जीटीबी अस्पताल में आना चाहिए। यहाँ पर लोग किस तरीके से रो रहे, दर बदर भटक रहे, ये उन्हें देखने की जरूरत है, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि ऊपर बेड खाली है लेकिन फिर भी बेड किसी को मिल नहीं रहा है। अगर जिसको एडमिट भी किया गया है तो उसका ध्यान रखने के लिए ना कोई डॉक्टर है ना कोई अटेंडेंट है, और ऑक्सीजन पर लगाया गया है तो गैस अगर लीक होती है तो उस लीकेज को बंद करने वाला भी जो है कोई है नहीं। बिल्कुल लूप होल्स है सिस्टम में, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युवाओं पर कोरोना की डबल चाल से डॉक्टर भी हैरान नजर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर युवाओं के लिए बेहद खतरनाक है। 30 से 40 साल की उम्र के युवाओं पर कोरोना का ये जो दूसरा कहर है वो सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। दूसरी लहर युवाओं को सबसे ज्यादा संक्रमित कर रही है, ये डॉक्टर्स का कहना है। दिल्ली में कोरोना के 65% मरीज जो है वो 30 से 40 साल की उम्र के हैं। तुषार का हम रुख कर लेते हैं, लखनऊ से मौजूद है। देखिए तुषार, सबसे ज्यादा जो इसका अटैक है, जो खतरनाक ये जो कोरोना की दूसरी लहर है वो युवाओं पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, ऐसे में वहां की परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो इंतजाम क्या पुख्ता है? Yeah.
देखिए, अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें और सच्चाई की बात करें तो इंतजाम बिल्कुल ही नहीं है किसी तरह के किसी चीज़ की। लेकिन अगर कागज़ों की बात करें तो कागज़ों में हर वक्त मौसम गुलाबी यहाँ दिखता है। अधिकारी सीएम को साफ तौर पे बता देते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आम जनता है। लेकिन आम आदमी जो ज़मीन पे जो बीमार पड़ रहा है वो त्रस्त है। कल एक रिटायर्ड जज ने शासन को पत्र लिखा, उनकी पत्नी की बीमार थी और उनको दवाओं की ज़रूरत थी, घर तक दवाओं नहीं पहुँची, अंत में उनकी पत्नी की डेथ हो गई। और उसके बाद पत्नी की डेथ होने के बाद वो एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे कि एम्बुलेंस आए और उनको शमशान घाट तक ले जाए, वो भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ये हालात हैं, शमशान घाट पे जगह नहीं है, सड़कों पे लाशें जलाई जा रही है। शमशान घाट के पास जो पैसेज बने हैं जहाँ पे आदमी बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते थे, जहाँ पर आदमी बैठे थे, अब वहाँ पे लाशें जलाई जा रही, एक के बाद एक सटी हुई लाशें जलाई जा रही। सबसे बड़ी बात तो है कि कोरोना की जो बिल्कुल तुषार आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें जरा देख लीजिए, हर्षा भी मौजूद है, एम्स में ही मौजूद है हर्षा। हर्षा, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त? हर्षा, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दिए कौन कौन तुम्हारे अपने बता दिया तो जी। हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इस वक्त एम्स में मौजूद है, हर एक वार्ड का जायजा लेते हुए तमाम तैयारियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब डॉक्टर से वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे, किस तरीके के इंतजाम है, क्या वाकई किसी तरह की कोई लापरवाही या कमी तो नहीं है। क्योंकि हर्षवर्धन ये कहते हुए कि आने वाले वक्त में जिन जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए हम अभी से कदम उठा रहे हैं। और सवाल यहां पर यह भी है क्योंकि एम्स में जो मौजूद है कई मरीज वो ये लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए हैं कि देखिए बेड्स की कमी दिखाई दे रही है, ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होता है, वो कमी डॉक्टर्स के पैनल की डॉक्टर्स की टीम की देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए हर एक वार्ड में जाकर डॉक्टर्स से बातचीत करते हुए कि किस तरीके से मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, बेड्स की कमी तो नहीं है, आईसीयू वार्ड में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और जो लगातार इंजेक्शन की मांग की जा रही थी क्या वो इंजेक्शन एम्स हॉस्पिटल में पर्याप्त है या नहीं है, इन तमाम चीजों पर चर्चा भी की डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और अब तमाम हॉस्पिटल का जायजा लेते हुए ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले देख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि अब पूरी कमान संभालते हुए, क्योंकि लगातार ये जो कोरोना का विस्फोट दिखाई दे रहा है देश भर में, अभी तक 24 घंटे में 200,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। और इसी विस्फोट को लेकर देखिए राजनीति भी एक तरफ है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, इस वक्त की बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस नेता हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि मेरे संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो भी जाकर तुरंत टेस्ट करवाए, अभी फिलहाल मैं होम आइसोलेशन में हूँ। तो ये कोरोना जो कि लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, इसका दायरा लगातार दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आम हो खास हो हर वर्ग के तबकों को अपनी चपेट में लेता हुआ। और इस बीच अब रणदीप सुरजेवाला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन पंजाब से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और राज्य का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हरसिमरत कौर बादल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हरसिमरत बादल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, खुद को घर पर क्वारंटीन किया है, साथ ही कहा कि जो मेरे संपर्क में आए हैं तुरंत जांच करवाए। तो देखिए किस तरीके से कोरोना विस्फोट लगातार होता हुआ, और सवाल यही है कि क्या मौजूदा स्थिति को भांपने में देरी हो गई है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर की आहट पहले से ही थी। और सवाल लोगों की तरफ से ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब पहला लॉकडाउन लगाया गया था ये कहते हुए कि देखिए तैयारियां हमें पूरी करनी है और इसी वजह से लॉकडाउन लगाने की नौबत आई है, लेकिन क्या उस वक्त तैयारियां पूरी नहीं की गई थी, और उसी लापरवाही का ये असर है कि अब देखिए कितनी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हितेन और तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ और दिल्ली से, हम सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हितेन, देखिए लगातार अब ऐसी खबरें सामने आ रही है जिससे साफ जाहिर है कि कोरोना का दायरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये कोरोना ना तो आम लोगों को देख रहा है ना वीवीआईपी लोगों को देख रहा है, ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब एहतियातन कड़े कदमों का पालन किया जाए।
बिल्कुल देखिए, ये जो सख्ती बरती गई है प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से, ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए ही बरती गई है। ये लोगों को अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रेन जो दूसरा स्ट्रेन देखने मिल रहा है भारत में, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये युवा बच्चा हर वर्ग के लोगों को ये तुरंत जो है इफेक्ट कर रहा है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए दिल्ली में अब तक जो है इसकी एफिशिएंसी 20% से अधिक देखने मिल रही है। दिल्ली में ये किस तरीके से हावी हो रहा है, ये लगातार बढ़ते केसेस और यहाँ से लगातार निकलती लाशों को देखते हुए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अस्पताल में जो खामियाँ हैं, खैर वो तो रहेगी, लेकिन दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही भी देखने मिल रही है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो है ये कोरोना के मरीजों का जो है इलाज नहीं हो पा रहा, ये साफ साफ कह सकते हैं। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं, बिल्कुल लोगों की परेशानी है और वो साफ जाहिर करते हुए भी नजर आया तुषार। लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे, एक तरफ जद्दोजहद पूरी ये है कि लोगों की इंसानों की जान को बचाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो शमशान घाट की तस्वीरें सामने आई है वो बेहद ही हृदय विदारक तस्वीरें हैं। ऐसे में एक तरफ इंसानों को बचाने की कवायद, लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत भी मरती हुई। बिल्कुल देखिए, इंसानियत, इंसान को बचाने की कवायद सरकार कर रही है, कोशिश में जुटी है, ऐसा नहीं क्यों नहीं कर रही है। लेकिन अगर यही काम वो पहले कर देती, यही काम थोड़ा सा और सख्त नियम पहले लगा देती, या अभी भी समय है, अभी भी कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, अगर वो कड़े कदम उठाती तो निश्चित तौर पे जो मौतों के आंकड़ा है, जो संक्रमण का, वो कहीं ना कहीं जो दायरा है वो कम हो जाएगा। इंसानियत में क्या अगर बात करें तो शमशान घाट पे क्या स्थितियां हैं, वहाँ पे गाड़ियों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जो डेड बॉडीज लेके गाड़ी आती हैं वहाँ पे, जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो उनसे पैसे वसूले जाते हैं, लकड़ियों के भारी दाम है, अगर लकड़ियां नहीं है बाहर से ले आते हैं लकड़ी तो उनके काफ़ी महंगे महंगे रेट हैं। शमशान घाट पे सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, पूरा शमशान घाट पे जो लोग डेड बॉडीज को फूंकते हैं वो उनकी शिकायत पूरी तरह से है कि वो शमशान घाट को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। हम दिन भर में समझना बहुत मुश्किल है, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन्हें अंतिम विदाई भी सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। तुषार और रितेना बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन जी हिंदुस्तान लगातार इस मुहिम को शुरू कर चुका है और लगातार ये मुहिम हमारी जारी रहेगी, क्योंकि लगातार सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं और लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं, तमाम गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, क्योंकि आपका एक एक कदम लॉकडाउन से होने से बचा सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो कोरोना वायरस का महासंकट दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की चुनौतियों से देश डटकर मुकाबला कर रहा है, हमने कोरोना की चुनौतियों को अवसर में बदला है। ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कुछ देर पहले जब एम्स पहुंचे तो तमाम वार्ड्स का जायजा लेते हुए नजर आए, डॉक्टर्स के साथ चर्चा की, मंथन किया कि किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस तरीके की कमी है, मरीजों को ट्रीट करने में क्या कोई दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में वो 2 लाख के पार है और ऐसे में अब नया एपिसेंटर जो है राजधानी दिल्ली बन चुका है। हितेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजधानी दिल्ली से। हितेन, देखिए अभी तक जो है पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में सामने आ चुके हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब नया कोरोना का जो एपिसेंटर है वो दिल्ली बन चुका है और इसी वजह से अब मजबूरी पड़ी है कि वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लागू हो, लेकिन दूसरी तरफ अब लोगों की जिम्मेदारी। चलिए हितेन का हम रुक करेंगे, लेकिन ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब दिल्ली को बचाना है, क्योंकि अब एक एक शहर दर शहर कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो महासंकट है इस संकट से तभी पार पाया जा सकता है कि जब सिस्टम के साथ साथ आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन गाइडलाइंस का पालन करें। हितेन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हितेन, नया एपिसेंटर अब राजधानी दिल्ली बन चुका है कोरोना का, लेकिन इस महासंकट पर ब्रेक लगाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त किसकी बनती है? बिल्कुल देखिए, जिम्मेवारी लोगों की खुद की भी बनती है और सरकार की भी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जहाँ एम्स का दौरा कर रहे हैं और कैसे ट्रीटमेंट हो रही है वो देख रहे हैं, जरा वो यहाँ आ जाए जीटीबी में, इन लोगों से भी बात कर ले कि आखिरकार कहाँ किस तरीके का बिहेव हो रहा है, ये समझ में आ जाएगा। बताइए क्या सर, मैं इनको चैंसर टेबल में लेके गई, उन्होंने इनको किडनी के डॉक्टर वहाँ मैक्स में ले जाइए, शांति कुंड में पता करा वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, हम राम मनोहर लेके लेके पहुँचे,
राम मनोहर लिया में सारा दिन हम भटकते रहे, हाथ जोड़ते रहे, पैर पकड़ते, डॉक्टर साहब इनको देखे, वो बोले पहले कोविड की रिपोर्ट लिए, जब मेंशन डॉक्टर ने कर दिया कोविड नेगेटिव है तो उनका इलाज, मैंने कहा पहले अब जो प्रायोरिटी है पहले वो देखिए, किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर है, किडनी फेल हो चुकी है, उनके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, सांस उनकी नहीं चल रही है, निमोनिया हो चुका है, टाइफाइड है, पहले उसका प्रायोरिटी दीजिए, बाद में हम कोरोना की रिपोर्ट आपको ला कर देंगे, टेस्ट हो चुका है हम ला कर देंगे, कोरोना रिपोर्ट भी लेके आ गए, वो भी दिखा दी उनकी, दिखा गई, लेकिन अपना कोरोना टेस्ट करेंगे, अपना कोरोना नहीं की, एडमिट नहीं किया सर, वो कोरोना टेस्ट अपना करवाया, 48 घंटे पेशेंट पड़ा रहा, कोई इलाज नहीं मिला, और दूसरे दिन शाम को जब एडमिट किया एक घंटे बाद मार दिया, एक घंटे बाद कहते हैं डेथ कर दिया, 48 घंटे तक उनको इलाज मिला, कोई इंजेक्शन कोई दवाई नहीं, मेरी 8 साल की बेटी मैं कैसे पालूंगी, उनका मेरे भाई कानपुर से आया है, वो लेबर आदमी मेरे भाई से मेरी 2.5 घंटे पहले बात हुई थी, कल शाम को 6 बजे मेरी बात हुई है, और 2.5 घंटे जैसे मैं अस्पताल में 15 मिनट पहुंचा हूँ, यहाँ पे मैंने उसको फोन करा कि मैं तेरे को चल ट्रांसफर कराता हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं बेड की इंतजाम करके, लेकिन अस्पताल आते ही पता लगा उसको फोन स्विच ऑफ है, 2.5 घंटे रेगुलर मैंने उसका कॉल करी है, यहाँ पे गार्ड को बोला मैंने कोई खबर पहुँचा दो अंदर, इनके इमरजेंसी नंबर पर कॉल करी, वो कह रहे हमारे को कोई खबर नहीं, हम आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आपके नंबर पर कॉल करते हैं, 2.5 घंटे तक कोई जवाब नहीं, 2.5 घंटे बाद उसका फोन एक्टिवेट होता है, जैसे एक्टिवेट हुआ मैंने कॉल करी तो डॉक्टर फोन उठाता है, कहता है आपके कौन हो, मैंने बोला उनका भाई, बोलो कह रहे इनकी 5 घंटे पहले इनकी एक्सपायर हो चुके, अरे 2.5 घंटे पहले मेरे भाई से मेरी बात हुई था, 5 घंटे पहले कैसे मर गया वो, पहले झूठ बोल ले, मैंने बोला आईसीयू पे है वो, आईसीयू में बैठा, आईसीयू में लगा रखा है, आइसोलेशन मिल रही है उसको, कह रहे नहीं कोई आइसोलेशन नहीं मिली हमारे पे, आइसोलेशन है नहीं, बेड खाली नहीं है, कह रहे कोई बेड खाली नहीं है हमारे पास, अरे तो बेड खाली नहीं है तो अस्पताल पेशेंट को घर पे लाते क्यों, यहाँ अवेलेबल नहीं है, पेशेंट इतना है 34 साल का मेरा भाई, खुद एम्बुलेंस करके घर से अस्पताल आया, यहाँ पे खुद एम्बुलेंस में घर आया, इतना शरीर था उसका कि अगर 15 दिन घर में बिका दवाई का पड़ा होता तब भी जिंदा रहता वो, यहाँ पे 2 दिन भी इसको जाओ नहीं रखा गया, इनसे 24 घंटे ऑक्सीजन दी नहीं गई, इनसे ऑक्सीजन तक नहीं लगा इसको, ताप क्या मरा है वो, कोविड हुआ था, कोविड का पेशेंट था, खुद चेकअप करा के खुद ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाए कि मेरे को कोविड है, मैं अस्पताल में एडमिट हो जाता हूँ, लंग्स के लिए ऐसे इलाज के लिए आए थे, यहाँ तक भर्ती ही नहीं करा उसको ढंग से, देखा नहीं इलाज हो रहा था, कोई इलाज नहीं, इलाज होता तो होता, ऑक्सीजन ही नहीं मिला इसको, तो ऑक्सीजन लगी होती तो भी जाओ सांस चल रही होती, डॉक्टर झूठ बोल रहा 5 घंटे पहले मर गया, 2.5 घंटे पहले बात हुई पेशेंट से, कह रहा 5 घंटे पहले मर गया, बाडी का नहीं बता, बाडी तो बताए, बाडी कहाँ है, कैसी है, कहाँ है, हमारा हमारा बंदा है भी कि नहीं है, तो दूसरा है, हम घर ले जाना चाहते हैं अपनी बॉडी को, हमें घर के लिए नहीं, रिपोर्ट में लिखा हुआ नेगेटिव, 12 तारीख को मैंने अपने मामा जी को हेडगवार में भर्ती करवाया था, दिखवाया उन्होंने, वहाँ रिपोर्ट कोरोना क्या है, इनकी नेगेटिव आई है, फिर ठीक है उन्होंने क्या करा, इन्होंने रेफर कर दिया जीटीपी के लिए, कोविड वार्ड के लिए, उन्होंने कोविड वार्ड के लिए उन्होंने वो कर दिया इसमें जीटीबी में, हम उनको घर लेके आ गए, उनको शाम को फिर थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हुई, बीपी की शिकायत थी, हम उनको यहाँ लेके जीटीबी में हमने भर्ती कराया, 13 तारीख को वो एक्सपायर कर चुके हैं, मोर देन 72 आवर्स हो चुका है उनको डेथ हुए हुए, अभी तक देखो रिपोर्ट आई नहीं है, मरने का कारण इसमें लिखा हुआ है आपका कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक, और बॉडी सस्पेक्ट में डाल रखी है, हमने कहा जी हमें बॉडी हमारे को घर पर दे दो, कहते हैं नहीं जी हम आपकी सेफ्टी चाहते हैं, आपको कोविड हो जाएगा, कोविड होगा हमें होगा तो हम हमारी बॉडी हमें होगा हमें हमारे घर के लिए हमें बॉडी दीजिए ना, और रिपोर्ट के लिए अरे हमारे पेशेंट को हमें तो दीजिए, टाइम हो चुका, रिपोर्ट आई नहीं है, अभी ये देख लीजिए 72 घंटे से ज्यादा हो चुका, हमारे मामा जी को मरे हुए, कोई डेड बॉडी देने को तैयार नहीं है घर के लिए, सीधे कहता सस्पेक्ट में, कोई इनसे यहाँ पे आके पूछता है मर्चरी में जी वो है ठीक है, नु जी कागज लगाओ, 1 घंटे में एम्बुलेंस आएगी सीधा शमशान घाट, नु जी कोरोना था आपके पेशेंट को, देख रहे कि हर 15 मिनट में 2 डेड बॉडी निकल रही है, तो बाहर जो परिजन है उनका क्या कहना है, क्या हाल है अस्पताल में, किस तरीके की धांधलियाँ हो रही है, सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है, जो नॉन कोविड है उसे भी कहीं ना कहीं सस्पेक्ट में डाल दिया जा रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, अगर आप इलाज कर रहे हो तो कम से कम भर्ती कर रहे हो तो इलाज करिए, 15 मिनट पहले भाई मिल कर गया ठीक थे, 15 मिनट बाद फोन आ गया आपके भाई की वार्ड पे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है जब 15 मिनट पहले मिल कर गए तो, बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको बेड दे दिया, चलो इलाज चालू कर रहे हैं, बाहर निकला है, फोन आ गया, बात समझ नहीं आती है, पेशेंट का फोन स्विच ऑफ होता क्यों है, मरता हुआ पेशेंट स्विच ऑफ करेगा फोन, इंजेक्शन कौन सा दे रहे हैं पेशेंट को,
बिल्कुल हितेन, और इन लोगों का दुख समझना बहुत मुश्किल है। इन पर क्या गुजर रही होगी जिनसे 15 मिनट पहले, ढाई घंटे पहले बात की है और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, ये कहते हुए कि देखिए 5 घंटे पहले वो मर गया है। ऐसे में इन परिवारों के दुखों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ हम लगातार अपील करते हुए लोगों से कि मास्क लगाकर आप जरूर निकले, तमाम गाइडलाइंस का आप जरूर पालन करें। मेरी मात्र 8 साल की बेटी है, 8 साल की बेटी है, कैसे कब पालूंगी मैं उसको? कुछ भी नहीं, हैंड टू माउथ का कुछ है नहीं, काम करने का कुछ है नहीं, बॉडी दिखा नहीं रहा किसी को भी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हितेन, हम चाहेंगे कि आप इनसे लगातार बातचीत करते रहिए, क्योंकि देखिए यही वो तस्वीरें हैं जो कि लगातार ये सवाल उठाती है। सीधे सीधे मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि बेड्स की कमी नहीं है, व्यवस्था पुख्ता है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवा किस तरीके से चरमरा चुकी है ये तस्वीरें बयां करती है। बिल्कुल, देखिए एक 8 साल की बच्ची की माँ का दर्द है ये, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है कि अब कौन उसकी बच्ची को पढ़ाएगा, बड़ा करेगा, कैसे करेगी वो, उसका काम धंधा भी नहीं बचा, स्कूल वाले फीस पूरी मांगते हैं, उसको कहते हैं इलाज कराऊंगा, पहले कोविड रिपोर्ट दिखा रहे सर निगेटिव है, नहीं वो अपना करेंगे 48 घंटे उसको अकेला जबरदस्ती उसको अपने कोविड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया उसका, जाके इलाज आधे घंटे मार बात करके बाहर निकल ठीक है। आपका रंग चूसी मत बनिए, हम चूसी नहीं बने, हम बोरेलिया में भी लेकर गए हैं, हमने शांति मुकुट में भी पता कर, हमने मैक्स में कहीं बैठे बिल बन दिया, कुछ भी नहीं दिया गया यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिया गया। जिंदे में डॉक्टर कोई हाथ नहीं लगा रहा अंदर पेशेंट को, बेफालतू बोल रहे कि अस्पताल में सब कुछ हो रहा है, कोई चेकअप नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन जिस पेशेंट को ऑक्सीजन तक नहीं लगाई जा रही, पेशेंट के घर रिलेटिव खुद बता रहे हैं जिनके पेशेंट अब भी हैं कि ऑक्सीजन भी खुद लगाने पड़ता है उनको। हाँ, ये पेशेंट का हाल देखिए तो आप महसूस कीजिए कैसा होता जब पेशेंट को कोई इलाज नहीं मिलता, तो आप यहाँ ये देखिए जब ट्रीटमेंट के बगैर वो इंसान मर जाता तो क्या बीतते उसके परिवार वालों को जिसका कोई सहारा नहीं होता, इस आदमी के अलावा एक 8 साल की बच्ची के अलावा कोई सहारा नहीं। आप आके यहाँ देखिए मैं कैसे करूँगी, मुझे जवाब दीजिए मैं कैसे करूँगी अपनी बेटी का, मुझे बताइए। मुझे मेरा पेशेंट लागे दीजिए, कह रहे मर गए आपकी डेथ हो गई पेशेंट की, अब ये अब हम लोग बॉडी लेने आए हैं, पूछने हैं कहाँ पे, अब क्या कह रहे हैं कि आपको कोई है ही नहीं अटेंड करने के लिए, वो कह रहे हैं एप्लीकेशन दोगे तो सूरत देखने के लिए भी एप्लीकेशन दोगे तो जाके अभी आपको खुद फोन करेंगे। एप्लीकेशन देने के बाद सीधे बॉडी कोविड में ही सस्पेक्ट में डाल रहे हैं, सीधे कोविड में ही आपने एप्लीकेशन दी तो सीधे कहते हैं 1 घंटा वेट करो आपकी बॉडी कोरोना जाएगी, और लेकिन बिना रिपोर्ट के ही कोरोना में दिए जा रहे हैं ये। हमने अपने मामा जी को जिंदे में रिपोर्ट हेडक्वार्टर में चेक करवाया नेगेटिव, और 13 तारीख को डेथ हो चुकी है, 12 घंटे के अंदर डेथ हो गई, तो उनकी अभी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, तो कहते हैं अभी वो पॉजिटिव है, जो आप सीधे उसमें शमशान घाट लेके जाओ। हम चार दिन हमें चक्कर काट रहे हैं, 4 दिन हो गए हम रोज यही चक्कर मार रहे हैं, सिर्फ हमें ये कह दिया कि सस्पेक्ट में है। बिल्कुल हितेन, और देखिए ये तमाम दुख और रोष लोगों का ये साफ जाहिर करता है कि जो दावे मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे थे उन दावों में कोई जान नहीं है, खोखले साबित वो दावे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के चलते अभी तक 1000 इमारतें सील कर दी गई है, 11000 फ्लोर को सील कर दिया गया है, झुग्गियों और चौल में 90 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, इसके अलावा 2 कोरोना संक्रमित मिलने पर फ्लोर सील करने के आदेश भी दिए गए हैं, 5 कोरोना मरीज मिलने पर पूरी इमारत सील की जाएगी, भाईखला अंधेरी और कांदीवली में भी सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो अब एक के बाद एक कड़े कदम उठाते हुए सरकार, क्योंकि उद्धव सरकार की तरफ से ये लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए चेन को ब्रेक करना है, और ऐसे में उसी चेन को ब्रेक करने के लिए रोक लगाने के लिए एक के बाद एक ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र की स्थिति काबू होती हुई नजर आएगी, क्योंकि दूसरी लहर की आहट पहली लहर के साथ साथ ही देखने को मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद इंतजामों में देरी की गई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है, कोरोना के टीके के उत्पादन के केंद्र के फैसले से खुश नजर आए हैं उद्धव ठाकरे, केंद्र की मंजूरी के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम को धन्यवाद किया है। मैं अब मुंबई के आफकिन इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ा हूँ, और जल्द ही इस
अफकिन इंस्टीट्यूट में भारत बायोटेक कंपनी का जो कोवैक्सीन है उसकी निर्मिति जो है वो यही अफकिन इंस्टीट्यूट में होने वाली है। अफकिन इंस्टीट्यूट ये मुंबई की संस्था है और इस संस्था में ऑलरेडी इसके पहले भी वैक्सीन की निर्मिति होती है और उसके चलते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से विनती की थी कि ये अफकिन इंस्टीट्यूट को भारत बायोटेक से जो उनका पेटेंट है वो मिलना चाहिए और उसके चलते हुए यही महाराष्ट्र में पर मुंबई के परेल इलाके में जो अफकिन इंस्टीट्यूट है उसमें उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। यहाँ पे पहले से ही प्रोडक्शन का प्लांट होने की वजह से यहाँ पे जो निर्मिति है उसका जो प्रोडक्शन है वो बड़ी मात्रा में हो सकता है और उसका फायदा जो है वो महाराष्ट्र के जनता को हो सकता है। वीडियो मंगेश के साथ प्रशांत अंकुश राव, जी मीडिया, मुंबई। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से वहां पर एक के बाद एक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बेपरवाह और इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों दिखाई दे रहा है। हर्षा का हम रुख कर लेते हैं जो कि राजधानी दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। हर्षा, देखिए एक तरफ तमाम जायजा लिया जा रहा है वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, वहां की स्थिति को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का दर्द भी जरा सुनिए। उनका साफ तौर पे कह रहा है कि उनके परिजनों को जिनसे उनकी बात हुई है 15 मिनट पहले, ढाई घंटे पहले उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि हम नहीं बचा पाए। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया डॉक्टर्स का, वहां के तमाम स्टाफ का, इस पर क्या कोई एक्शन लेने को तैयार होगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अभी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है। जो आईसीयू जो कोविड के आईसीयू बेड से जो आईसीयू वाला सेक्शन है वहां का जायजा ले रहे हैं पूरा। लेकिन देखिए डॉक्टर से यही समझने की वो भी कोशिश करें क्योंकि तमाम तरह की बातें दिल्ली से सामने निकल के कई तरह के बड़े अस्पताल, चाहे एलएनजेपी की बात करें, चाहे जीटीपी की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, तमाम जगहों पर परिजन दो दो दिन तक ट्रैक करते रहते हैं, डॉक्टर से पूछने की कोशिश करते हैं कि उनके परिजनों को खाना व्यवस्था दी गई है कि नहीं, कोई दवाई दी गई है कि नहीं, उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन दो दिन तक उनको कोई अपडेट नहीं दिया जाता है। जब दो से तीन दिन बाद जब वो दोबारा से पूछते हैं तो पता चलता है कि वो मृत घोषित कर दिए गए हैं या फिर उनकी हालत बहुत गंभीर है। ये तमाम चीजें हमने एलएनजेपी से भी देखी, जीटीपी से देखी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भी इस तरह की हमने तस्वीरें देखी और इस तरह के तमाम तीमारदारों ने तमाम हमें इस तरह की केस स्टडीज बताए कि मतलब हमारे साथ ऐसा लगातार हो रहा है जब हमें जानकारी ही नहीं मिल पाती। यहां तक कि ये बताया कई लोगों ने कि 70 पेशेंट्स पर सिर्फ एक डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर्स की कमी इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर्स एक दिन में, कई डॉक्टर्स हैं जो वार्ड में आते ही नहीं है, दो दो दिन बाद मरीजों को देखने आते हैं। कई नर्स हैं जो पहुंचती हैं लेकिन पेशेंट को हाथ नहीं लगाती है, दूर से ही बात करती है। कई बार उनके जो मेजरमेंट्स लेना होता है, बुखार का इंजेक्शन लेने होते हैं, वो भी ठीक बिल्कुल दावे एक तरफ और दावे से उलट की तमाम तस्वीरें सवाल उठाती हुई। तुषार का भी हम रुख कर लेते हैं, लखनऊ से मौजूद है। तुषार, देखिए उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि जो लगातार बढ़ते आंकड़े हैं, क्योंकि अब यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार ने देरी कर दी है कदम उठाने में। देखिए उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है ये, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण भी फैल रहा है। 22,000 से भी अधिक केसेज जा चुके हैं, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी काम ही नहीं की, चाहे कोई भी सरकार रही हो। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की कमी रही, बेड की कमी रही, ऑक्सीजन की कमी रही, जिसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सख्ती करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। अगर वो सख्ती होती है तभी कोरोना का संक्रमण का रोका जा सकता है, क्योंकि देखिए अस्पतालों में बेड की कमी है तो उस बेड को इतनी जल्दी तो नहीं भरा जा सकता है, और इसी वजह से सख्ती की बेहद जरूरी है। और सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया उस नाइट कर्फ्यू से केवल काम नहीं चलेगा, पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि लोग अभी भी जागरूक नहीं है, लोग मान नहीं रहे, लोग और ये सब फैसले पहले से ले लिए जाने चाहिए थे जब बैठकों का दौर जारी था, लेकिन लागू करना है नहीं करना है, दिक्कत होगी, आर्थिक तंगी होगी, इन सभी चीजों पर विचार किया गया, लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ किया गया। तुषार बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर्षा भी हमारे साथ मौजूद थे, हितेन भी हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जी हिंदुस्तान लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि देखिए आप डर जाइए, ये तस्वीर साफ जाहिर कर रही है कि जरा सी चूक आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए जरूरत ना हो तो अपने घर में रहें, मास्क लगाएं, तमाम गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करें। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।